करना चाहती हूँ मैं कि क्या कारण है कि दिल्ली में जो 125 करोड़ किसान पड़ा, 125 करोड़ किसान पड़ा हुआ है, वहाँ आपको किसान नहीं दिखाई दिया, और यहाँ पर जो कि किसान सम्मेलन के नाम पर जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है उसमें आपको किसान दिखाई दे रहा है। किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं और जो किसान पड़े हुए 125 करोड़, मैं उन किसानों से भी बात किसानों को तो आपके सम्मेलन में जाने नहीं दिया, हम लोगों को वहीं से यहाँ पर पूरा दिन यहाँ पर बिठा के रखा हुआ है। कर रहे होगे ना विरोध, तो विरोध आप एक मिनट आप एक मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए। सीधी सी बात है, कुल मिला के अगर आप बिल के समर्थन में आओगे और चर्चा करने के लिए आओगे तो मतलब आप चाहते हैं कि हम जबरदस्ती समर्थन करें? आंदोलन नहीं, जबरदस्ती नहीं करो, विरोध करने के लिए स्वतंत्र हो। जब विरोध करोगे तो फिर जो प्रशासन की बातचीत है वो रोकेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि ये कहा गया है कि आपके कार्यकर्ताओं द्वारा या आपके द्वारा किसानों को जो गुमराह हुए हैं किसान, उनको कृषि बिल के फायदे जो है वो बताने की चेष्टा की जाएगी, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं या हम जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको तो वहां तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। आप मुझसे समझ लीजिए, मैं समझ दूंगा, आप मुझसे बात करो। आपको मैं बता दूं, जिस समय आप डबरा आए थे चुनाव रैली के दौरान, जिस दिन आप वहां से निकले उस दिन किसानों ने आंदोलन किया, आपको आवेदन देने की कोशिश की, लेकिन उसी दिन 125 किसानों पर FIR दर्ज हुई। दरअसल क्या है कि जब आंदोलन करोगे तो व्यवहार आंदोलन का होगा, जब चर्चा करोगे तो व्यवहार चर्चा का होगा। इसका मतलब ये कि भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा? भ्रष्ट सिस्टम मंडी का, भ्रष्ट सिस्टम को उसको कौन देख रहा है? कानून के माध्यम से उसको समाप्त किया, किसान को राहत देने के लिए कानून बनाया। इसका कोई भी फायदा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं हमारे वोट किसानों को दिखाई दे रहा है कि कोई इसका फायदा है। लेटेस्ट अपडेट और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्क्रिप्ट पास, और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं बेल आइकन। और हाँ, आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जाकर अपनी राय जरूर बताएं।